मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जो फन मूड था वो किसी और ही एंगल में चला गया। सो शो का वाइब पूरी तरह से देखो ना तो एक सर्टन चंक छोड़ के बाद में शो का, तो अगर कोई एक बार बोल रहा, दो बार बोल रहा, निग्लेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तीसरी बार वो अवॉइड नहीं होता। मतलब आप जानना क्या चाहते हैं? हमारा सबसे ज्यादा धमाकेदार प्रोमो आउट हुआ, ठीक है, और उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी ताकि आपका ऐसा रिएक्शन आए जो मिल गया। अब इससे ज्यादा सवाल आप टीम से पूछिए, ठीक है? नो आई नो, बट अगेन मतलब मैं क्या बोलूँ, जो प्रोमो में आपने देखा, यू नो, वो सिर्फ एक फन और बैंटरिंग मूड में ही था। इट वॉज नथिंग दैट किसी को फाइट इनिशिएट करनी थी या कुछ भी, बट वो एस्केलेट ऐसे हो गए एंड इट वॉज दैट संभालो लाइट ऑन है सारी and that's about it, you know. उसके बाद तो you'll also watch the episode and you'll know कि actual में क्या हुआ था। नहीं लगा था, सच में मुझे नहीं लगा। उसकी वजह भी मैं देना चाहूँगी। I think ऐसे shows में mentally strong होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and I think somewhere I didn't feel that he was that mentally strong that I would consider him as a competition. Yeah. यार ऑनेस्टली मैं उसके साथ फ्लाइट में थी तो कॉन्स्टेंटली हम सबको ही वो बोल रहा था, मैंने पेन, यू नो, स्ट्रगल, या मैंने 500 पुशअप्स या पुलअप्स किए हैं, दिस एंड दैट। सो मैं बस, एज आई सेड, मैं नॉर्मल फन वे में बोल रही थी, जो ब्रीफिंग में अक्सर होता है कि यार सर ये बहुत ही अपने पेन के बारे में बोल रहा है, उससे पहले मैं और कुछ बोलूँ भी उसने लेवल और औकात एंड स्टफ लाइक दैट बात कर दी, तो विच अगेन उसका जो फन मूड था वो किसी और ही एंगल में चला गया। सो एज आई सेड, इट वाज नॉट एट ऑल इंटेंशनल कि हम लड़ाई करें, और वो उस एंगल में चला गया। आसिम का अभिषेक और नियति के साथ कौन कौन आसिम का जो बहस हुआ था, आसिम का जो बहस हुआ था, ये अभी आ गया अभी कौन सा? हाँ, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, अभिषेक और नियति। He was asking me about my shirt का brand and I was telling him कि मैंने यहाँ से लिए। मैं? But आप लोग साथ में थे, at least उसको बताओगे तुम्हारा क्या रहा है? नहीं, मजा आया देखने में। अरे तू झगड़ा देखने में, झगड़ा देखने में किसको मजा नहीं आता? Entertainment। आप भी तो मजे ले लेके सवाल पूछ रहे हो। खुद भी तो खिड़कियों से झांझा के देखता कौन लड़ रहा है। नहीं, झगड़ा देखने में सबको मजा आता। खतरों के मार में बिग बॉस हो गया था। देखिए, आप ये आप कह रही है, हम नहीं कह रहे। दूसरी बात ये कि आप अगर शो का वाइब पूरी तरह से देखो ना तो एक सर्टन चंक छोड़ के बाद में शो का स्पिरिट बहुत ज्यादा सही जगह पे आया। इट इज एक्सट्रीमली ड्रामा है थ्रू आउट, लेकिन एंटरटेनिंग और फन ड्रामा है, कुछ कुछ मोमेंट्स इग्नोर करके। यार इतने सारे बिग बॉस वाले लोग थे तो आई थिंक बिग बॉस तो बनना ही था। बहुत एंटरटेनिंग। बड़े सवाल ना बड़े गलत लोगों से पूछ रहे हो। ये जैन आदमी, ये जैन छोटा आदमी, ठीक है। मतलब हमें कोई पढ़ा ही नहीं है वहां पे कि कौन किससे लड़ रहा है, बिड़ रहा है। नहीं, हम ऐसे खड़े होकर देख रहे थे। इट वाज एंटरटेनमेंट। ये देखो, ये फुटेज खाने आ गया। एंटरटेनमेंट जितना आपको अभी देख के हो रहा है ना, हम भी वहां पे, हमारे तो लाइव एंटरटेनमेंट, थिएटर चल रहा था, ज्यादा लंबा था। हां, हमारे लिए तो एकदम बिना अनएडिटेड वर्जन, नो फिल्टर, सारे फिल्टर अवॉइड कर एकदम रियल वर्जन देखा हमने। वो जो शो है वो वो जो शो है खतरों जो शो है उसमें हमें अगर अपने आप को प्रूव करना है तो हमें स्टंट करने पड़ेंगे। वो स्टंट वाला शो है, ना कि बोलने वाला। तो अगर आप उसको भी वही शो समझ रहे हो, आई थिंक बिग बॉस इज अ डिफरेंट शो, खतरों इज अ डिफरेंट शो। एक अगर कोई डांस शो हो रहा है वो डिफरेंट शो होता है। तो अगर हम डांस शो में गए, अगर हम वहाँ पे भी फाइट कर रहे हैं और हम डांस नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। आई थिंक अगर हम खतरों में हैं तो हमें स्टंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि ना कि हम लड़ाई पे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर कोई एक बार बोल रहा है, दो बार बोल रहा है, निग्लेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तीसरी बार वो अवॉइड नहीं होता, तो स्टंट इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन सिर्फ बोलना।